सर सर वो क्या बात है? सर मैं बूटन माझी प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ सर। मेरी बहन के साथ रेप हुआ है। तो मैं क्या करूँ, बैठ करके उसका इलाज करूँ? तुम लोग अपनी बहन का रेप करवाते रहो और पुलिस तुम लोगों के पीछे भागती रहे? एकरम हुआ जी, ले जाओ इसको, ले जाकर बैठा उधर। सर मेरी बात सुने सर, छोड़ो। मुंह में दही जमा है क्या? बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसने बुरा काम किया है मेरे साथ। अच्छा, कौन सा बुरा काम किया है? मेरी बेटी की इज्जत लूट ली उसने साहब, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। रात में बेटी को शहर करने के लिए भेजी थी, क्या करने के लिए गई थी वो? जी सब सोच के लिए गई थी। चुप कर। कौन था? मुखिया जी का भतीजा, बहुत दिनों से मेरी बेटी के पीछे पड़ा था। तुम्हारी बेटी कोई अफसरा है कि मुखिया जी का भतीजा इसके पीछे लगा रहेगा? हेडक हो गया है सब भी, कांड करवा के चले आएंगे थाने में, जैसे इनके बाप के यहाँ जमींदारी है। इसका क्या कर रहे हैं सर? बयान ले लो, लेकिन केस अभी दर्ज मत करना। आइए भोला बाबू, क्या बात है? सब ठीक ही है, भैया जी से मिलना था। बस एक बार माफ कर दीजिए मालिक, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बस एक बार माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। गोली की आवाज? बकरी ने बच्चा दिया है, उसी की खुशी में काका जी फायरिंग कर रहे हैं। चल गाड़ी पकड़। आइए आइए। ए दरोगा। हाँ जी। अरे चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ बैठिए, काका जी को देखते हैं। हाँ प्रणाम मुखिया जी। बैठिए। वो क्या है भैया जी की, आपके गांव की एक छोकरी आई है थाने में, कहती है कि आपके भतीजे ने उसके साथ रेप किया है। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रेप नहीं मर्डर हो गया। छोकरी हरजन है मुखिया जी, केस दर्ज हो जाएगा तो मामला सीरियस हो जाएगा। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है मुखिया जी, कुछ कीजिए। क्यों रे अभागी, ये कुकन के बाद मर क्यों नहीं गई? वही कुएं में कूद के मर जाती। अरे माँ ये क्या कह रही हैं? भाभी। अरे इसमें इसका क्या कसूर है? ना बहू, दोष तो मेरा है जो ऐसी बेटी पैदा की। तो जन्म देते ही आपने इसे मार क्यों नहीं दिया? इस देश में वैसे भी बेटी होना पाप है। चलो चलो मत रो। मेरा तो नसीब ही फूट गया। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्यों क्या बात है? भूटन की बहन के साथ क्या किया तुम लोगों ने? पता नहीं कब अकल आएगी तुम लोगों को। अरे जब गंदी नाली में मुंह डाल ही दिया था
तो दो चार पैसे फेंक के मुंह साफ कर लेना चाहिए था। जाकर बैठी है थाने में। वो खुद ही गलत लड़की है, घाट घाट की पानी पी हुई है। बस, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जाकर समझाओ उसे, अगर नहीं माने तो इस भूटन की। ए दरोगा जी, गाड़ी निकाल। जी FIR दर्ज करो, दर्ज करो। नहीं तो वर्दी खोल दो, नहीं तो वर्दी खोल दो, बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, खोल दरवाजा। इतनी रात में कौन हो सकता है? कौन है? अरे दरवाजा खोल, 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 दरवाजा खोल, अरे खोल दरवाजा। बलात्कारी को फांसी दो, नहीं तो थाना छोड़ दो। जल्दी चलो, जल्दी। खोल! तुम पीछे से भाग जाओ। लेकिन आप और माँ। अरे तुम जाओ। अरे तोड़ दे दरवाजा। माँ, माँ, क्या हुआ? सब लोग गोली बंदूक लेके आए। उठिए, जल्दी उठिए। FIR दर्ज करो, बलात्कारी को फांसी दो, FIR दर्ज करो, खोल दो। हे राम, तू उधर देख। जी चलो माँ, जल्दी करिए माँ। FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो। क्या बात है? 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे कहने से FIR दर्ज हो जाएगा। पहले तुम्हारी बहन का मेडिकल रिपोर्ट आएगा कि रेप हुआ है या नहीं। जब लड़की कह रही है कि रेप हुआ है तो आपको FIR दर्ज करने में क्या आपत्ति है? तुम्हारी बहन कोई देवी देवता है कि उसके कहने पर FIR दर्ज होगा? तुम सब लोग यहां से निकलो, नहीं तो तुम सब लोग बेमौत मारे जाओगे। मा, 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 जल्दी चलो मा, जल्दी चलो मा, जल्दी चलो, जल्दी कीजिए, भागिए यहां से। जल्दी चलो मा, तुम लोग जल्दी चलो मा। जल्दी चलो, नदी पे गई होगी। जी है।
पति जिंदा चाहिए तो मुंह बंद रखना। पिंटो जी, ज्यादा फड़फड़ाए तो ठोक देना। ज्यादा फड़फड़ाओगी तो छील के रख दूंगा। तुम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। जो कुछ भी कर रहे हो तुम लोग, मालूम है उसका नतीजा क्या होगा? नतीजे का चिंता किसे, जो होगा सो होगा। बेवकूफों जैसी बात मत करो तुम लोग। बड़ी जात वालों से दुश्मनी मोल लेके कुछ नहीं मिलेगा, भेड़ बकरी के जैसे काटे जाओगे। ए काका, हम लोग भी यहाँ कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। मैट्रिक पास करके बैठे हो ना, तो बड़ी बड़ी बातें करोगे ही तुम। एसपी, पुलिस, थाना, पूरा प्रशासन आया, क्या हुआ? तो क्या चाहते हैं आप, मुंह बंद करके बैठ जाए हम लोग? ए चाचा, माँ बहन की इज्जत और जान से किसी को नहीं खेलने दूंगा मैं। वो जमाना गया जब द्रोणाचार्य के कहने पर एकलव्य ने अंगूठा कटवा लिया था। क्या बात है? दरोगा जी बुलाए हैं थाने पे, चलो। ऐसी क्या बात हो गई? एक मिनट चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं थाने होकर आता हूं। चाची, चाची। अरे क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? भूटन चाचा को पुलिस उठा के ले गई। क्या? क्यों रे, तुम्हारी बहन का बलात्कार हुआ तो हमारी वर्दी उतरवा देगा, थाने में आग लगवा देगा। आज मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा और तू चुप रहेगा। हे रतन सिंह जी, ठोक जरा इसे आज वही पुलिस वाला डंडा, तो देखे हम भी ये कितना बड़ा इज्जत वाला है। यस सर। Hey, man!
अब हैरान हूँ भगवान, अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे कैसे क्या बात है, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो तो ऐसे ही पूछताछ करने के लिए बुलाया था। हाँ आओ चलो। मैं पानी लेके आती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? पता नहीं क्यों आज वो दिन बहुत याद आ रहा है मुझे, जिस दिन तुमसे शादी करके घर में ले आया था, पंडित जी के सामने वचन दिया था कि हर कीमत पे तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं सम्मान की जिंदगी दूंगा। लगता है वो वचन अधूरा रह गया। क्यों, मैं तो खुश हूं। मेरे लिए एक काम करोगी? कहिए। वो साड़ी पहन कर आओ ना जो शादी की पहली रात पहनी थी तुम। तुम्हें उसी रूप में देखने का मन कर रहा है।
मुझको ओ मेरे सवरिया, भूल ना भुलाए जब तक रही उमरिया। दे दे इतना प्यार मुझको ओ मेरे सवरिया, भूल ना भुलाए जब तक रही उमरिया। क्योंकि खुद बिना आए खुद पे ना आए है नियत गबास रे, ये कि खुद पे ना आए है नियत गबास रे। ना जाने क्या हो गया मुझको आज रे, ना जाने क्या हो गया मुझको आज रे। खुशबू से महके सजन मैं, बाहों में भर ले सजना बेचैन हूँ मैं। तेरे इश्क के खुशबू से महके सजन मैं, बाहों में भर ले सजना बेचैन हूँ मैं। मौसम के संग मेरा भी संग मेरा भी बदला मिजाज रे, मौसम के संग मेरा भी बदला मिजाज रे। ना जाने क्या हो गया मुझको आज रे, ना जाने क्या हो गया मुझको आज रे। ना जाने क्या हो गया मुझको आज रे, ना जाने क्या हो गया मुझको आज रे। अरे इतने सवेरे सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं? जाना पड़ेगा, जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो सवेरे सवेरे? कीड़े मकोड़ों की जिंदगी अब नहीं जीऊंगा मैं, हरिजन हूं मैं, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। सम्मान से जीने का मुझे भी अधिकार है, और अब वो अधिकार लेकर रहूंगा मैं। मेरी बात मानिए, मत जाइए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको, नहीं जाने दूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता रुखिया। आपको मेरी कसम मत चाहिए।
रुखिया, अपमान की जिंदगी से बेहतर है मर जाना। समझ लो, तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे लिए मर गया मैं। एक मिनट, इससे मिलना है। एसपी साहब से मिलना है। पीए साहब से परमिशन लिया है? बूटन माझी हूं मैं, मास्टर जी, जाकर बोलिए उनसे। अरे तो तुम क्या कोई लॉर्ड गवर्नर हो जो तुम्हारा नाम सुनते ही साहब सलामी ठोकेंगे? चलो निकलो यहाँ से। ए, पब्लिक हूँ मैं, क्यों नहीं मिलने दोगे? ए, क्या बात है? साहब से मिलना है। अरे दुबे जी, इनको पीए साहब से मिलवा दीजिए, साहब से मिलने आए हैं। चलिए। इसी के बहन के साथ रेप किया था मुखिया जी का भतीजा, इसीलिए मिलने आया होगा। मुझे भी उतनी ही इज्जत से जीने का अधिकार है जितना आपको। मनुष्य की योनि में जन्म लिया है मैंने, किसी जानवर की नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हर काम का एक तरीका होता है। और यह क्या तरीका है बात करने का? तरीका गया भाड़ में, मुझे रिजल्ट चाहिए। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। गेट आउट? गेट आउट होने के लिए नहीं आया हूं यहां, इंसाफ चाहिए मुझे। हटो, चलो हट जाओ पीछे, हटो। ए, वहीं रुक जाओ। चलो हट जा पीछे, मैं तो गोली मार दूंगा। ए, बेतिया में सरेआम पुलिस अफसर का हत्या हो रहा है, वो भी पुलिस मुख्यालय में। आप तो जानते हैं सर, पूरा इलाका नक्सल इफेक्टेड है, और नक्सली आए दिन वहां वारदात करते रहते हैं, खासकर पुलिस और थाना उनके निशाने पर हैं। और आप लोग चुपचाप निशाने पर हैं। सर हम तो कब से चिट्ठी लिख रहे हैं गृह मंत्रालय को कि पुलिस का एक विशेष अभियान चलाया जाए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, लेकिन गृह मंत्रालय है कि बकवास मत कीजिएगा। आप सरकारी अफसर लोग खाली फलिए बनाइएगा, कीजिएगा कुछ नहीं। सर हमारे ख्याल से लहरियासराय के एसपी अजय सिंह को बेतिया भेज देना चाहिए। उससे कहा होगा? इसका क्या गारंटी है कि उसके वहां जाने से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा? बहुत डायनेमिक अफसर है, बहुत अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है सर, पिछले साल उसको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। अजय के आज उसको लहरिया सराय से रिलीज कीजिए और बेतिया रवाना कीजिए फौरन। सर, प्रदीप शर्मा सर, लेट अस मूव।
सब लोग आ गए हैं? यस सर। प्लीज टेक योर सीट। मैं अजय सिंह, एक खास जिम्मेदारी के साथ मुझे यहां भेजा गया है टू फाइट विथ नक्सल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। सदियों से गरीबों और दलित जनता का खून चूसने वाली दमनकारी सरकार और सरकारी तंत्र के खिलाफ आज से जंग का ऐलान है। ये नक्सलवादी जो सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं, उन्हें हर हाल में रोकना है, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे। बी रेडी फॉर फाइट। रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। या तो अब इज्जत की जिंदगी जिएंगे हम, नहीं तो रणभूमि में जान दे देंगे हम अपनी। तैयार। अरे भोला बाबू, क्या बात है? सर से मिलने आए हैं। सर मुझे अर्जेंटली बुलाया है। अच्छा, साहब ऑफिस में ही बैठे हैं, जाइए। ठीक है। पिछले एक साल में हरिजनों के खिलाफ सबसे ज्यादा वारदात हुई है आपके थाने में। तीन तीन नरसंहार हो चुके हैं आपके थाने में। किसी की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जान सकता हूं क्यों? सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी आदमी आगे बढ़कर गवाही देने को तैयार नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पकड़ी गांव में एक हरजन लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उस केस में? सर उसी लड़की का भाई है बूटन मांझी, जिसने पिछले एसपी साहब का मर्डर कर दिया। सर आप यहां अभी नए आए हैं, आपको यहां के लोगों के बारे में मालूम नहीं। यहां के लोग बात बात पर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, बात बात पर हथियार उठा लेते हैं। ऐसे में भला पुलिस क्या कर सकती है? आपके बहन के साथ बलात्कार हो जाए, न्याय नहीं मिले, क्या करेंगे आप? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे साथ काम करना है तो काम करना होगा, वरना अपना ट्रांसफर करवा के कहीं और चले जाओ। सर 20 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए, आज तक सीआर में कोई दाग नहीं लगा। लेकिन अब लगने वाला है, सावधान हो जाओ। जा सकते हैं। और हाँ, एक बात कान खोल के फिर से सुन लो कि पुलिस के वर्दी पे दाग लगे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सर माल कमाने के चक्कर पे देख रहे हैं, चेहरा पूरा उतर गया है। पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारा भी चेहरा उतर जाएगा। नया एसपी आया हुआ है, पिछला सारा केस फिर से खोल रहा है। अच्छा तो क्या हुआ? हम लोग भी कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। बेवकूफों की तरह बात मत करो, पुलिस को चैलेंज करना इतना आसान काम नहीं है। जिस दिन वो चाह लेगा उसी दिन उठा लेगा। भैया जी क्या बात है? जी प्रणाम। काफी रात तक बैठकी चल रही है। वो नया एसपी भोला बाबू को बहुत तंग किया है। टेंशन मत लो, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। वो क्या है कि आपके पुराने केस को लेके एक बार मिलने तो दो, सब ठीक हो जाएगा। वो भी अपनी ही जाति बिरादरी का है, निश्चिंत रहो। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप सब देख लीजिएगा। दरोगा जी, कल ही पुलिस हेडक्वार्टर चलने का इंतजाम करो। जी भैया जी। एक मिनट भाई साहब, किससे मिल रहे हैं? मुखिया जी को पहचानता नहीं है क्या? नया आया है क्या? एक मिनट, किससे मिलना है? एसपी साहब से। ये साहब से परमिशन लिया है? मुखिया को किसी से मिलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती, समझे? अरे एक मिनट सुनिए तो सही। नमस्कार एसपी साहब।
मैं मुखिया हूँ, XML। तुम बाहर जाओ। मैंने ही आपका ट्रांसफर यहाँ मुख्यमंत्री से बोल के करवाया है। अच्छा नहीं कि तुम मेरा ट्रांसफर यहाँ करवा के मुखिया। क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है मुखिया। तुम्हारा खेल अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। खेल शुरू होने से पहले ही खेल का अंजाम बता रहे हैं आप ना। अच्छे खिलाड़ी नहीं है आप एसपी साहब। अरे भाई, खेल तो अब शुरू होगा। गलत। खेल तो बहुत दिनों से खेल रहे हो तुम लोग, इंसानों का शिकार करके। कहना क्या चाहते हैं आप? डायरेक्ट पॉइंट पे आइए। बूटन मांझी के बहन का रेप तुम्हारे भतीजे ने किया। तुमने उसे बचाने के लिए उस लड़की का मर्डर करवा दिया। यहां तक कि थाने में FIR भी दर्ज नहीं होने दिया। अंधेरे में हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा SP। अगर मैं चाहूं तो एक मिनट में हवा पानी बंद कर दूंगा मुखिया। SP, तुमसे पहले कितने SP आए और गए, मुखिया का कुछ नहीं उखाड़ पाए। मैं उखाड़ के दिखाऊंगा तुम्हें। आदमी को कोशिश करती रहनी चाहिए, शायद तुम मुखिया का कुछ उखाड़ पाओ। बड़ी उम्मीद से आया था मैं, सोचा था कि साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन आप तो पहले से ही खार खाए बैठे हैं। खैर, अभी चलता हूं, कोई काम पड़े तो जरूर याद कीजिएगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा मैं। नमस्कार। यही घर है सर। कोई अंदर है क्या? बोलिए, क्या काम है? कांति के साथ क्या हुआ था, यही जानने के लिए मैं यहां आया हूं। अगर आप पुलिस की मदद नहीं करेंगी तो पुलिस अपना काम कैसे करेगी? और फिर चुप रहने से इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ आज नहीं तो कल जरूर होगा, और उसके लिए हमें पुलिस की मदद नहीं चाहिए। बटन कहाँ पे है ये पता करना पुलिस का काम है। वो तो पता कर ही लूंगा मैं, लेकिन वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बटन से बोल दीजिए वापस आ जाए, उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। और कुछ कहना बाकी है? जी नहीं, बस मेरा संदेश उस तक पहुंचा दीजिएगा। मुखिया जी आने वाले थे, आए कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी तक नहीं आए हैं।
वर्मा। यस सर। अंदर देखो कोई है कि नहीं। ओके सर। शर्मा जी। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। हाँ
रतन सिंह सर। क्या हुआ था यहाँ? नक्सली हमला हुआ था सर, SHO साहब को गोली मार दिया और सारे हथियार लूट कर ले गए। थाने में नाच गाना क्यों चल रहा था? जी वो रामनवमी के अवसर पर हर साल यहाँ सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होता है। गाड़ी में बिठाओ। जय हिंद सर। आउट। चलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बूटन माझी बोल रहा हूँ, मास्टर जी। ये नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? पुलिस की एक एक बात की खबर है मुझे। रणभूमि में निहत्था नहीं उतरा हूं मैं। और हाँ, मेरी तरफ से पहला चैलेंज है तुम्हें। इतना ही शौक है तुम्हें चैलेंज देने का तो सामने क्यों नहीं आते? आऊंगा, सामने भी आऊंगा, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। इतनी जल्दी क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। जीने मरने की धमकी किसी और को देना SP, मेरे जैसा आदमी हर दिन मरता है और दूसरे दिन पैदा होता है। तुम अपनी चिंता करो। तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है मास्टर। अच्छा तो मैं निकलता हूं। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट। 11 बजने को है। बहुरानी? ए बहुरानी। जी माँ जी। रोहित बाबू सो गया है, इसको ले जाकर सुला दो बहुरानी। अजय बेटा आ गया है क्या? कहाँ है अभी तक? संभाल के। आपके सोने का समय हो गया है माँ, जाके सो जाइए। अच्छा जाती हूँ। न खाने का समय, न घर आने का समय, जब देखो काम काम काम। पापा आ गए। ओह माय गॉड। हेलो। हाय। अच्छा मेरा बेटा अभी तक जगा है? हम आपसे बात नहीं करते, आप हमारे गंदे पापा हो। आई एम सॉरी बेटा। वो क्या है ना कि आज मैं बिल्कुल टाइम से आ जाता, बिल्कुल अचानक एक बहुत बड़ा काम आ गया। बट आई प्रॉमिस यू, कल हम लोग बाजार घूमने जाएंगे एक साथ। प्रॉमिस 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 विदाउट फेल। कम से कम बच्चे से तो झूठ मत बोलिए। हम भी आपसे कटिस कटिस कटिस। खाना टेबल पे रखा है, खा लीजिएगा। सब के सब गरम है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। होठ गुलाबी नैन शराबी, ऐसे जुल्फें खोल के दिल को खूब जलाती हो तुम, मीठी बातें बोल के मेरे नैन से नैन मिला के। एक बात बता दो तुम, प्यार का मतलब क्या होता है यार, मुझे समझा दो तुम। मैंने
सपने सजाए अपने दामन में, हाथ छोड़ू ना तेरा मैं गोरी सावन में, हाथ छोड़ू ना तेरा मैं गोरी सावन में। मैंने सपने सजाए अपने दामन में, मैंने सपने सजाए अपने दामन में, हाथ छोड़ू ना तेरा मैं गोरी सावन में, हाथ छोड़ू ना तेरा मैं गोरी सावन में। तेरे रूप का निखार दिल को चुराता गया, काली आंखों में यार खुद को डुबाता गया। तेरे रूप का निखार दिल को चुराता गया, काली आंखों में यार खुद को डुबाता गया। झूठी बातें बना के मन उड़ा गया तू, झूठी बातें बना के मन उड़ा गया तू, मेरी आँखों की नींदें भी चुरा गया तू। झूठी बातें बना के मन उड़ा गया तू। तड़पे दिल मेरा तेरे बिन मन के आंगन में, तड़पे दिल मेरा तेरे बिन मन के आंगन में, हाथ छोड़ू ना तेरा मैं गोरी सावन में, हाथ छोड़ू ना तेरा मैं गोरी सावन में। सर, मुखबिर से खबर मिली है कि कल बलुआ बाजार में नक्सलियों की पंचायत लगने वाली है और वहां मास्टर भी जरूर आएगा। मास्टर की कोई तस्वीर है क्या पुलिस रिकॉर्ड में? नहीं सर, लेकिन मुखबिर उसको पहचानता है और वो हम लोगों के साथ रहेगा। आर यू श्योर? यस सर। एक काम करेंगे, अपने लोगों को सादे वर्दी में चारों तरफ फैलाएंगे। जी सर। और हाँ, बिना मेरे परमिशन के एक भी फायरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर मुझे जिंदा चाहिए। सब तैयारी है ना? हाँ सर। मैं चाय की दुकान में बैठा हूँ। जी। कोई दिखा? अभी नहीं। एक अच्छी वाली चाय बना। जी, बैठिए। शक्कर थोड़ी ठीक है। नमस्कार बाबू साहब, पहचाना आपने मुझे? तुमने कैसे पहचाना मुझे? छोटे आदमी को आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। तुम कौन? आपके ही गांव का रहने वाला हूं। एक बार कोशिश कीजिए, शायद पहचान लेंगे। गांव छोड़े बहुत दिन हो गए ना, नाम बताओगे तो पहचान जाऊंगा। सरस्वती का बेटा हूं। सरस्वती,
तुम भूटन? अरे बाईस साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है, 22 साल। क्या करते हो आजकल? बस जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा हूं भाई। कभी घर आओ, तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। तुमसे मिलेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। बड़ी माँ से मिलने आऊंगा जरूर, आज थोड़ा मुश्किल है। अच्छा चलता हूं मैं। पता लेकर जाओगे तब आओगे ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। भगवान की लीला भी गजब है भाई। सर सर, वो रहा मास्टर। ए रुक जा मास्टर। ए सब नीचे बैठ जाओ। चलो बूटन। आज अजय बेटा आए तो कहती हूँ एक दिन रघुनाथपुर चलते हैं, तुम भी गांव देख लोगी। वहां जाएंगे तो अंबिका भवानी माता के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने रोहित बेटा के लिए मन्नत मांगी थी ना। माँ जी, रघुनाथपुर से कोई मिलने आया है। इतनी रात को? बोलो कल सुबह आने को। सुनो, तुमने नाम नहीं पूछा उनसे? नाम तो नहीं बताया, कह रहा था अब जानती हैं उसको। अच्छा ठीक है, उनको बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी। गांव का कोई जान पहचान वाला ही होगा। कौन है? पहचानी है मुझे? आंख पर पट्टी बंधी रहे तो भी मां अपने बेटे को पहचान ही लेगी। प्रणाम बड़ी मां। जुग जुग जियो। पता चला कि आप यही हैं, मन नहीं माना तो मिलने चला आया। अच्छा किया, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। आइए ना। गांव का क्या हाल चाल है? आप गांव छोड़कर गई उसके 1 साल के बाद ही हम लोगों ने भी गांव छोड़ दिया और ननिहाल में आकर बस गए। सरस्वती का हाल चाल क्या है? माँ तो दुनिया में नहीं रही। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसने बहुत सेवा की थी मेरी। बहुरानी, ए बहुरानी। जी माँ जी।
प्रणाम। ये तुम्हारी भाभी लगेगी, अजय बेटा की पत्नी है। इनको तो मैं देखते ही पहचान गया कि इतनी सुंदर मेरी भाभी ही हो सकती हैं। मुझे ठीक से देख लीजिए, मैं बूटन हूं, आपका छोटा देवर। अरे हाँ, वो बेटा कहाँ है? वो सो गया है, मैं चाय भेजती हूँ। आप सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। अरे तो बैठो ना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, खाना खा कर जाना। आज नहीं बड़ी माँ, फिर किसी दूसरे दिन आऊंगा, पेट भर के खाना खाऊंगा, आज जाने दीजिए। अजय बेटा अभी आता ही होगा, तुम्हें देखेगा तो खुश हो जाएगा, उससे मिलकर जाना। भाई से थोड़ी फुर्सत में मिलूंगा, आज कुछ जल्दी में हूँ। ध्यान से जाना, बहुत रात हो चुकी है ना। आप चिंता मत करो बड़ी माँ, अभी मुझे बहुत दिन जीना है। प्रणाम। खुश रहो। बड़ी माँ से मिलने आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मास्टर नहीं, बूटन की हैसियत से यहाँ आया था मैं, तुम्हारे बचपन के दोस्त की हैसियत से। जिस दिन मास्टर की हैसियत से आऊंगा मैं, ये सवाल उस दिन पूछना। आज जाने दीजिए मुझे, आपसे मिलने फिर किसी दिन आऊंगा। बहुत देर कर दी बेटा, अपने गांव से बूटन आया हुआ था, वही सरस्वती का बेटा, अभी अभी गया, तुझे वो ढूंढ रहा था। ढूंढ तो मैं भी रहा हूं माँ, क्योंकि वो भूटन पहले वाला भूटन नहीं रह गया। हाँ? क्यों, क्या हो गया, कुछ किया क्या उसने? देश और समाज का दुश्मन बन चुका है वो। हाँ? सरकार की तरफ से उसके लिए मौत का फरमान जारी हो चुका है। देख बेटा, बहुत एहसान है उसका हम लोगों के ऊपर, अगर वो नहीं होता तो आज तू भी नहीं होता। उसने बचपन में तेरी जान बचाई थी। अपनी तरफ से उसे बचने का एक मौका मैं भी दूंगा माँ, अगर बात मान गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे ही हाथों उसका खेल खत्म हो जाएगा। अरे आंचल में बादल छुपाई हो गोरी, हाथों में लेके तुम रुमाल, ये मन मेरा बोले तुझे भर के बाहों में, अरे चुम लू पकड़ के तेरे दोनों रे गाल। अरे सजना से नाना बचा के चली गोरी, सजना को कुछ ना खबर, गोरी को प्यारा लगे ऐसा देवर, अरे इसको सताए रे जिसका प्यार। लच लच के पतली कमर जब चले कमर ल
दिल मेरा डोले रे। लच 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 के है पतली कमर, जब चले कमर लचकाई दिल मेरा डोले रे। चले कमर लचकाई दिल मेरा डोले रे। देखू जब भी मैं इसकी अंगड़ाई दिल मेरा डोले रे। देखू जब भी मैं इसकी अंगड़ाई दिल मेरा डोले रे। लच 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 के है पतली कमर, जब चले कमर लचकाई दिल मेरा डोले रे। देखू जब भी मैं इसकी अंगड़ाई एकदम ताजी ताजी लगी है। पापा भी पुलिस वाला है, पता तो करना पड़ेगा। नींद का बहाना भी हो सकता है। गुदगुदी तो होती नहीं, हाँ गुदगुदी तो होती नहीं, गुदगुदी तो होती नहीं, गुदगुदी तो होती नहीं। बेटा कल मैं और मेरा बेटा मार्केट जाएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। लेकिन हम लोग खरीदेंगे क्या? यशी के पास एक कंप्यूटर है, हम लोग वो खरीदेंगे। यशी के पास जैसा कंप्यूटर है वो खरीदेंगे, लेकिन मुझे तो चलाना आता ही नहीं। मुझे आता है ना। आता है तो मुझे भी सिखा देना, हम लोग कंप्यूटर खरीदेंगे। बेटा आप फिर अपने पापा को परेशान कर रहे हैं ना। आपको पता नहीं आपके पापा कितने बड़े ऑफिसर हैं, उनके पास कहाँ अपनी बीवी और बच्चे के लिए वक्त है। कल का प्रोग्राम फिक्स है। ओके
क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं आता हूं। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है क्या? बहुत बुरा सपना देखा। देखा कि मां के साथ गंगा नहाने गया हूं मैं, अचानक डूबने लगा। मैं बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और बार बार कोई मुझे डुबाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। भूटन के बारे में आप कुछ ज्यादा सोचने लगे हैं, इसीलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। जानती हो, जब मैं छोटा था तो मैं सचमुच एक बार पानी में डूब रहा था। मां के साथ ही गया था गंगा नहाने के लिए मैं, और उस वक्त मुझे भूटन ने ही बचाया था। अच्छा, आप ज्यादा मत सोचिए, आइए अंदर चलिए। क्या हुआ? कोई नहीं है, बस एक मैं हूं और एक तुम हो। मेरे साथ रहोगी तो कोई दुख नहीं होगा, कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। समझ गई ना? छोड़ो मुझे। चलता हूं, फिर आऊंगा। बताओ कहाँ देर भइल बा, लेके चक्र सुदर्शन आवो। अधसवा अनेर भइल इजाजत हो तो मैं अपना केस आपके सामने रखूं। बोलिए। नक्सलियों ने धमकी भरा खत भेजा है। क्या लिखा उसमें? लिखा है कि मेरे भतीजे को वो लोग मार देंगे। तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? मेरे भतीजे का रिसेप्शन है मेरी कोठी पर। मैं चाहता हूं कि लड़का लड़की की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। इतने बड़े सेना के मुखिया हैं आप, हथियारों की कोई कमी भी नहीं है,
आप अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद नहीं कर सकते? करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, और करूंगा भी, लेकिन पुलिस वालों का कोई फर्ज है या नहीं? है ना, लोगों से कानून का पालन करवाना, अपराधियों को उनके किए की सजा दिलवाना, उस लिस्ट में आपके भतीजे के साथ साथ आपका भी नाम शामिल है। तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो अरेस्ट कीजिए मुझे, ले चलिए कोर्ट, अगर गुनाह साबित हो जाए तो फांसी भी लटका दीजिए। आपकी ये इच्छा भी जल्दी ही पूरा करूंगा मैं मुखिया जी। मुझे इंतजार रहेगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मेरे भतीजे की शादी में आपके मंत्री जी भी पधार रहे हैं, और मंत्री जी की सुरक्षा के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। अरे आए क्यों नहीं सैया जी, रात मुझको बोल के। सजना जी
मंत्री जी का लोकेशन कंट्रोल रूम से अभी अभी मैसेज आया है सर। क्या? गृह मंत्री जी नहीं आ रहे हैं। तुम यहीं रुको, देखना कोई गड़बड़ी ना हो। यस सर। टेक केयर सर। अरे आए क्यों नहीं सैया जी, रात मुझको बोल के। न थाना न पुलिस न कोर्ट न कचहरी, तुम्हारा इंसाफ आज मैं करूंगा अपनी अदालत में। बहन, ये आदमी तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं है, बलात्कारी है ये, इसे मरना पड़ेगा। बॉर्डर, मुझे माफ कर दो भैया, उस पे दया कीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो, दया कीजिए भैया, मेरा सुहाग मत उजाड़िए भैया, प्लीज भैया। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना। पुलिस का फायर पावर से बेसी तो नक्सलाइट का फायर पावर है। जब मन करता है, जहां मन करता है आता है और काम करके निकल जाता है। आखिर आप लोग करते कहां हैं? सर, उन लोगों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग के नेटवर्क को क्या हो गया है? अजीब हाल है। चिट्ठी भेज के आया कि हम आ रहे हैं, तब भी आप लोग उस बच्चे की जान नहीं बचा सके। मुखिया आपसे सुरक्षा मांगने आया था, आपने उसे सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, क्यों? मुखिया एक क्रिमिनल है सर, उसके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज है। मैंने उसे सुरक्षा देना ठीक नहीं समझा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो क्रिमिनल है? और अगर क्रिमिनल है तो अदालत उसको सजा देगी, आप कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? यही तो मुश्किल है सर, कि हम मुखिया जैसे सफेदपोश लोगों को सजा नहीं दिला सकते। लगता है बुट्टन मास्टर से बहुत सहानुभूति है आपको। कहा लगता है वो आपका भाई? लगता है सर, हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं सर, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझता हूं। और हां सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि भूटन बहुत जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होगा, जिंदा या मुर्दा। उसकी तो घर में घुस के मारा है मेरे भतीजे को, छोड़ूंगा नहीं। कौन है? ये जनता की अदालत का फैसला है कि 7 दिन के अंदर मुखिया को 6 इंच छोटा कर दिया जाए। कल रात को यह खत मेरे घर पे फेंक के गए। मामला तो सीरियस लग रहा है, बोलो तो 4 को सिपाही तुम्हारे दरवाजा पर खड़ा कर देते, पर उससे क्या हो जाएगा?
तुम्हारा जान तो नहीं बचेगा ना। तो मैं क्या करूं ये तो बताइए। हमारी बात मानो तो किसी एक सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, और आज के डेट में तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान एक ही है, भितरामपुर सरकारी जेल। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं। तुम्हारे ऊपर दर्जनों केस है थाने में, किसी पुराने केस में कोर्ट में सरेंडर करो। मंत्री जी, अगर मैं जेल चला गया तो आपको पता ना परिणाम क्या होगा? जिंदा बचोगे तब परिणाम देखोगे ना। जाओ, जाके पहले अपना जान बचाओ। प्रणाम। प्रणाम। मनुवादी साले, रस्सी जर गया, बाकी ऐठन नहीं गया अभी तक। मरो साले। मम्मी हम भी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबू संभल के उतरना, देखो तुम गिर जाओगे। आराम से बेटा, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। हाँ। छोड़ दो। चल हट। बेटा। हट यहाँ से। छोड़ दो उसे। हट। चल। प्लीज। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, चल गाड़ी चलाओ, चलो चलो। मेरा बेटा, मेरा बेटा। अजय, हमारा रोहित, मेरा बेटा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। वर्मा सर, सभी थानों को अलर्ट कर दो, शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दो, और एक एक गाड़ी को चेक करो, वो शहर से बाहर नहीं गया होगा। राइट सर। एक मिनट, कोई फोन नहीं उठाएगा। वर्मा सर, फोन ट्रेस करने का इंतजाम करो। यस सर। दोबारा फोन करेगा, जल्दी करो। राइट सर। माँ फोन उठाओ। प्यार से बात करना और कोशिश करना कि थोड़ी देर तक बात हो। हेलो। हाँ मैं भूटन बोल रहा हूँ बड़ी माँ। प्रणाम माँ, आपका संदेश मिला मुझे। क्या बात है, कैसे याद किया आपने? बूटन बेटा, तुमने ये क्या किया? मुझे पता है कि ये तुम्हारा ही काम है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो बूटन। अजय सिंह अपने और फर्ज के बीच में बेटे को नहीं आने देगा।
मैं कुछ समझा नहीं, ये मेरे तुम्हारे बीच में बेटा कहां से आ गया? मैं अपने बेटे को शहीद करने के लिए तैयार हूं बुटन, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं बात करूंगी बुटन से। हेलो हेलो बुटन, मैं रोहन की माँ बोल रही हूँ, मुझसे बात करो। हेलो 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 कावेरी कंट्रोल, कावेरी मैं हूं ना, रोहित को कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा है ना? नहीं, तड़पने दो एसपी को, बेवकूफ। मेरे साथ चूहा बिल्ली का गेम खेलेगा। ए सुन, बच्चे को माइकल के हवाले कर दो, पैसा वहीं मिल जाएगा। और हाँ, किसी भी कीमत पे माल डैमेज नहीं होना चाहिए। चल फोन रख। अजय सिंह IPS। हाँ। के ऊपर था पहनाई, मैं समझी है राजा जी, हाँ मैं समझी है राजा जी। सो गई थी जान के दिन को साजन वो थे जी जा जी, सो गई थी जान के दिन को साजन वो थे जी जा जी। छत के ऊपर था पहनाई, मैं समझी है राजा जी, हाँ मैं समझी है जी। सो गई थी जान के दिन को साजन वो थे जी जा जी, सो गई थी जान के दिन को साजन वो थे जी जा जी। जाड़े का महीना था और रात हो गई थी आधी, ऐसा लग रहा था जैसे अपनी हुई हो आज शादी। हो जाड़े का महीना था और रात हो गई थी आधी, ऐसा लग रहा था जैसे अपनी हुई हो आज शादी। बजने लगा मेरे कानों में जैसे प्यार का कोई बाजा जी, प्यार का कोई बाजा जी। सो गई थी जान के दिन को साजन वो थे जी जा जी, सो गई थी जान के दिन को साजन वो थे जी जा जी। दिल पे नहीं कुछ मेरा जोर चल रहा था, हाय मैं और मेरा दिल भी तो बेहोश हो रहा था, हाय हाँ। मेरे दिल पे नहीं कुछ मेरा जोर चल रहा था, हाय मैं और मेरा दिल भी तो बेहोश हो रहा था, हाय। जान मेरी आफत में कैसे फंसी बताओ क्या मैं राजा जी, सुनाओ क्या मैं राजा जी। सो गई थी जान के दिन को साजन वो थे जी जा जी, सो गई थी जान के दिन को साजन वो थे जी जा जी। एसपी का बेटा किडनैप हुआ है,
और उसे शक है कि ये काम मैंने किया है। आखिर किसने किया? मुखिया के अलावा दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता है। उसने एक ही तीर से दो निशाने किए हैं। मगर वो तो कोर्ट में सरेंडर करके जेल चला गया, फिर ये काम जेल में ही बैठकर ऑपरेट किया है उसने। रूपा, पता करो अब वो बच्चा किसके हाथ में है। ठीक है, हर हाल में वो बच्चा मुझे चाहिए। जीत गया। कौन है बे? बड़ी माँ को फोन दीजिए। आपसे कौन बोल रहा है? बूटन बोल रहा हूँ बड़ी माँ। रोहित मेरे पास सुरक्षित है, आप कबीर मठ आ जाइए। और हाँ, किसी से बताइएगा मत। जा बेटा। मम्मी, रोहित, मेरा बेटा।
बेटा, मेरा बच्चा। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हे माँ, बेटा माँ के लिए कुछ करे तो वो एहसान नहीं होता है। मैं आपके कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप मेरी यशोदा माँ हो। जरूरत पड़ने पर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं जानती हूँ दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा मन यही कहता है कि मेरा बूटन कभी कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जाने तो मां, दुनिया की परवाह मैं नहीं करता। बेटा, बड़ी मां का बस एक और बात मान लो। क्या? तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते को छोड़ दो। मैं बस इतना ही चाहती हूं तुमसे। बस यही नहीं हो सकता बड़ी मां। किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ से घेर लो। सर चलो। चलता हूं। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो भूटन। तुम्हारे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यही होगा कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। Your time is over now, Bhutan. बेटा, आप जाइए बड़ी माँ, मेरी चिंता आप मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। जिद मत कीजिए बड़ी माँ, मैं कहता हूँ आप जाइए यहाँ से। बूटन को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसे यहाँ से जाने दे अजय। माँ तुम बेवकूफी मत करो, हट जाओ बीच से। चलाओ गोली चलाओ, मैं भी तो देखूं मेरी ममता की जीत होती है या तेरे फर्ज की। तुम समझती क्यों नहीं बात को? माँ बूटन तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हारी बड़ी माँ का हुक्म है। बूटन ऐसी गलती मत करना, बूटन ऐसी गलती मत करना। अजय तू यहाँ से हिलेगा तो मैं गोली चला दूंगी। माँ तुम बात को समझो, गलती मत करो ऐसी।
ये किसे उठा कर लाए हैं? मास्टर की औरत है रुखिया। पति अगर नक्सलाइट हो तो इसमें पत्नी का क्या दोष? अगर कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। पिछली बार बूटन से कब मुलाकात हुई थी आपकी? आपको तो पता होगा कि बूटन कहां जाता है, किस किस से मिलता है, क्या क्या करता है। मेरे लिए वो बहुत पहले मर चुके हैं। इसके कागजात तैयार करो और डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दो। जी। भूटन इसकी तलाश में अपने मात से बाहर जरूर आएगा। सर। कौन ठग था जो नगरिया लूट गया। उठे हो कजियारा में पिया की सूरत देखूं यही अरमान है, पिया की सूरत देखूं यही अरमान है। कैद हूँ मैं पिंजरा में उठे हो कजियारा में पिया की सूरत देखूं यही अरमान है, पिया की सूरत देखूं यही अरमान है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। नक्सलाइटों ने एक के बाद एक बम विस्फोट कर पूरे शहर में दहशत का माहौल फैला दिया है और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। मैं मास्टर जी हूँ। आम जनता से मेरी विनती है, कोई अपने घर से बाहर ना निकले। आम पब्लिक से मेरी कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई सरकार से है। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ऑपरेशन रेड हंट, शहर के सभी थानों को अलर्ट कर दो एंड बी रेडी टू मूव। ओवर। विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला है कि इनकी तादाद सैकड़ों में है और ये अब जेल रोड की ओर बढ़ रहे हैं।
क्यों रे? अब बोल। न थाना न पुलिस न कोर्ट न कचहरी, जनता की अदालत का फैसला है। 6 इंच छोटा। चलो आओ। बस पहुंच ही गए हम। सुनो, थोड़ी देर हिम्मत रखो, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। हाँ, हिम्मत रखो। ऑपरेशन रेड हंट सर, ऑपरेशन लास्ट स्टेज पे है। हमने छोटी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम अटैक करने जा रहे हैं सर। अजय वेट, रात का समय है, उनको इंगेज रखो, सूरज की पहली किरण के साथ अटैक करो। ओवर। ओके सर।
आ गई बेटा, बस थोड़ा सबर करो, सबर करो बेटा। बस बेटा सब्र करो, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा भूटन। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सरकार से मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए। तुम बस अपने आप को कानून के हवाले कर दो भूटन। चलाओ गोली। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है भूटन, अपने आप को सरेंडर कर दो, मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करो। मैं कहता हूँ चलाओ गोली। मैंने तुम्हारी बड़ी माँ को वचन दिया है भूटन कि तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा मैं। उसी बड़ी माँ की कसम, चलाओ गोली।
मुबारक हो बेटी, बेटा हुआ है बेटा। बटन भाई, हे बटन, तुम मार कर भी हार गए, मैं मार कर भी जीत गया। ये लो बेटी, दूध पिला दो। माफ करना भूटन, मैं तो कानून का गुलाम हूं रे, कानून का गुलाम।